बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मैरिज ब्यूरो में हम अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहते हैं। देखिए, जितने भी रिश्ते लेकर आते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खास होते हैं आपके लिए। देखिए, ऐसी लड़कियों के, ऐसी औरतों के रिश्ते लेकर आते हैं जो कि शरीफ फैमिलियों से ताल्लुक रखती हैं। आपको रिश्तों के हवाले से जितने भी रिश्ते हम आपकी खिदमत में ये पेश करते हैं गारंटी के साथ, देखिए यानी कि वो रिश्ते शरीफ फैमिलियों से होते हैं, तो रिश्ते के हवाले से आपको किसी भी किस्म की टेंशन या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम रिश्ता लेकर आते हैं देखकर ही यकीन जाने लेकर आते हैं। अगर आपको रिश्ता पसंद आता है तो आपको ये करना होता है कि आपने उस रिश्ते के लिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना होता है। आज के जो रिश्ते की मुकम्मल डिटेल आपकी खिदमत में लेकर आए हैं ये पेश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अगर आपको रिश्ता पसंद आए तो आप इस रिश्ते के लिए हमारे साथ रब्ता कीजिए। देखिए, जरमीन का रिश्ता है, नाम इनका जरमीन है, उम्र इनकी 36 साल है, बेवा खतून है बेचारी। देखिए, जो कि 5 साल हो गए इनके शौहर का इंतकाल हुए, बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई हैं, परेशान रहती हैं, समाज वालों ने भी जीना मुहाल कर रखा है। जी हाँ, इनके अपना जाती घर है माशाल्लाह से, लेकिन इनके जो आस पड़ोस के लोग हैं देखिए वो सही नहीं है। जी हाँ, अकेली औरत है जिसकी वजह से काफी परेशान किया जाता है इनके घर। हाँ, जो पत्थर मारे जाते हैं क्योंकि इस वजह से मारे जाते हैं क्योंकि ये अकेली औरत है। जी हाँ, इनकी अगर मायके के हवाले से बात की जाए तो इनकी फैमिली के हवाले से बात की जाए तो देखिए ये जो है दूसरे शहर में इनके मायके वाले हैं जो कि मुल्तान में हैं, और ये बेचारी देखिए लाहौर की रिहायशी हैं जो कि अपने शोहर के घर रिहायशी पजीर है जो कि अब इन्हीं का है, और तन्हाई अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती और ना ही समाज वालों का ऐसा देखिए रवैया बर्दाश्त कर सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया है दूसरी शादी करने का। देर से ही लेकिन दुरुस्त फैसला किया है इंशाल्लाह ताला। अगर इन्होंने फैसला ले ही लिया है दूसरी शादी करने का तो इंशाल्लाह ताला यकीन जाने इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। देखिए, जवान औरत है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और औलाद नहीं है, अकेली रिहायशी पजीर है। अपने शौहर के जाने के बाद जो है अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और शौहर भी इनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन अचानक जो है उनको हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से दुनिया से चल बसे। अब जो है ये फिर से घर बसाना चाहती है, 6 साल का तो 5 यानी कि 6 साल का तकरीबन अरसा हो गया है इनके शौहर के इंतकाल को। अब जो है ये शादी करना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने दुख झेले हैं और समाज वालों के भी, आस पड़ोस के लोगों के भी हर जो है बिल्कुल बस कर दिया है इन्होंने। ये चाहती हैं कि फिर से घर बसा ले। इनके ससुराल वालों ने पहले भी देखिए जमीन को ये मशवरा दिया था कि जमीन को जवान है, इनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों को देखा और बिल्कुल इन्होंने फैसला कर लिया है कि अकेली नहीं रह सकती, जिसकी वजह से अब जो है ये दूसरी शादी करना चाहती हैं, अपना घर बसाना चाहती हैं। अगर आपको हमारा जमीन का रिश्ता पसंद आता है तो जमीन के रिश्ते के लिए आप रब्ता कीजिए। ये पंजाबी हैं और लाहौर की रिहायशी हैं, जबकि इनकी फैमिली जो है मुल्तान की रिहायशी हैं। अगर आपको रिश्ता पसंद आता है तो जरमीन का नाम, अपना मुकम्मल बायोडाटा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारे साथ रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि रिश्ता आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी मुकम्मल डिटेल जरूर लिखे, ज्यादा चाहते हैं क्योंकि टाइम कम है। उम्मीद करती हूँ कि रिश्ता आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे ख्याल में रिश्ते के वाले से मुकम्मल डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। आप अपना ख्याल रखें, लिखिए और दुआ में लाजमी याद रखें ताकि ऐसे खूबसूरत से रिश्ते रोजाना हम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इजाजत चाहते हैं ताकि नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात करें। अल्लाह हाफिज़।